हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले ऑडिट टेक्निक्स और मेथड्स। इसके पहले मैं वीडियो में आपको बताया था कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, वो स्टेप था, बट ये है मेथड्स। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये सिमिलरिटी एकदम सेम इसमें मैच कर लेगा, मतलब थोड़ा बहुत वो आप देखोगे तो आपको ये एकदम अच्छे से और समझ में आएगा। तो हम जो बहुत से लोग का रिक्वेस्ट था कि इस पर भी वीडियो बनाओ, तो मेथड्स तो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, आप बोर्ड के एग्जाम में देखोगे तो बहुत बार पूछ चुका है, और इवन कॉलेजेस में भी बहुत से लोग टीचर्स लोग जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, मतलब क्वेश्चन बनाते देते, तो ज़्यादा का क्वेश्चन मेथड्स देते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये, मिनिमम 7 मार्क का आता है क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बीच में बहुत लोग का क्वेरीज था कि बहुत लोग का कॉलेजेस में इंटरनल एग्ज़ाम था, तो मुझे बहुत लोग का फीडबैक अच्छा मिला कि आपका वीडियो देखने से मुझे बहुत हेल्प मिला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा वीडियो, मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपको हेल्प मिली और दूसरे को भी हेल्प आप कीजिए। तो आज हम चलिए अब आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक से ऑडिट टेक्निक्स, तो ऑडिट टेक्निक देखने से पहले हम थोड़ा आज मीनिंग देख लेते कि ऑडिट टेक्निक्स एक्चुअली है क्या। तो ऑडिट टेक्निक्स क्या बोलता है, ऑडिट टेक्निक्स क्या बोलता है, मीन्स द मेथड यूज टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस ऐसे फाइंड इट। जो ऐसे फाइंड इट है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फाइंड इट, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे फाइंड इट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका था, और दो इसे दो मेथड थे, कंप्लाइंस एंड सब्सटेंसिव मेथड थे। तो इसके पहले ये वीडियो देखने से अच्छा पहले आप वो देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों मेथड्स का मतलब एक्चुअली है क्या। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑडिट टेक्निक्स क्या करता है, मींस मेथड यूज टू ओपन ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट एविडेंस के मेथड यूज करके ऑडिट टेक्निक्स से हम लोग ये सब निकालते हैं। समझिए, आप समझ जाएंगे कि मींस क्या मींस इसका। द ऑडिट मेथड, द मेथड यूज टू ओपन ऑडिट एविडेंस ऐसे फाइंड इट, ये इसको यूज़ करके हम लोग क्या निकालते हैं, अपना मेथड का अपना एविडेंस हम लोग निकालते हैं। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ऑडिट टेक्निक मीन्स मेथड यूज टू ओपन ऑडिट एविडेंस ऐसे फाइंड, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट फाइंड इट में हम लोग दो चीज़ से हम लोग अपना एविडेंस निकाल सकते हैं। अब ऑडिट टेक्निक्स में भी दे आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेथड्स, कैसे कैसे, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कन्फर्मेशन, कंप्यूटेशन एंड एनालिटिकल रिव्यू है क्या, एक ही के बारे में हम डिस्कस कर दें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन मीन्स किस चीज़ का इंस्पेक्शन। अब बेसिकली आप याद रखना कि इंस्पेक्शन तीन चीज़ के इंस्पेक्शन होते हैं, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, और एक होता है टेंजिबल असेट। ये तीन चीज़ का इंस्पेक्शन ऑडिटर करता है। अब डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स और टेंजिबल असेट। अब डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स में दो चीज़ हो जाती है आपके समझने के लिए, जैसे कि वेरिफिकेशन और वॉचिंग। वॉचिंग भी यूज़ करते, टेक्निक यूज़ करके हम लोग क्या करते, एक प्रूफ निकालते बराबर इंस्पेक्शन किया कि नहीं, वो देखना। और रिकॉर्ड्स बराबर वेरिफिकेशन, मतलब असेट एंड लाइबिलिटी हम लोग वेरीफाई करते, उससे भी हम लोग देख लेते कि इंस्पेक्शन बराबर यूज़ टेक्निक्स यूज़ करके हम लोग वेरीफाई करते, मतलब उसका प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते। और टेंजिबल असेट में जो असेट, फिक्स असेट, हम लोग उसका भी वेरिफिकेशन बराबर करते हैं, बराबर एक्चुअली बराबर दिखा रहे कि नहीं अमाउंट, वो देखते। अब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स है ना, बेसिकली दे आर फोर टाइप्स ऑफ कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, फोर टाइप्स ऑफ कैटेगरी। ये जो इंस्पेक्शन पोर्शन है ना, वो मिनिमम कभी भी 5 मार्क का पूछ लेता है। इंस्पेक्शन आप पूरा डिस्क्राइब करो, इंस्पेक्शन है क्या। तो बेसिकली आप बोला कि तीन टाइप के पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स एंड टेंजिबल असेट। इंस्पेक्शन में थ्री टाइप्स ऑफ कंस्टेंस, मतलब ये सब प्रूफ से हम लोग निकाल सकते हैं। बट अभी इसमें फोर टाइप्स है क्या, वो आप एकदम आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको पहले ध्यान दीजिएगा। फोर टाइप्स में कैसे, फोर टाइप्स में आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको बहुत लेंदी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो मैं चार टाइप में क्या बोलूँगा, एक में मैं पहले लिख देता हूँ इधर, थर्ड पार्टी, टू थर्ड पार्टी, क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट टू थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी टू क्लाइंट। अभी सब मीन्स क्या है,
अब इंस्पेक्शन जो ऑडिटर कर रहे हैं तभी इसमें कैसे कैसे भी कर सकते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट एविडेंस ओरिजिनेट फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। क्या बोला मैंने? डॉक्यूमेंट एविडेंस ओरिजिनेट फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। वापस अगेन बोलने का वही, ऑडिट एविडेंस ओरिजिनेट डॉक्यूमेंट एविडेंस ओरिजिनेट फ्रॉम द क्लाइंट एंड क्लाइंट, उसके बाद क्लाइंट टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी टू क्लाइंट। आपको ये चार कैटेगरी आपको लिखना पड़ेगा इंस्पेक्शन में। आप लिख रहे हो तो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स में आपको ये चार टाइप्स का आपको लिखना पड़ेगा कि आप मेक श्योर आप देख लो, जो वीडियो देख रहे हैं आपको तो आप एकदम सिंपल में लिखो कि थर्ड पार्टी टू थर्ड पार्टी, क्लाइंट टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी टू क्लाइंट। आपको सेंटेंस में फ्रेम करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट एविडेंस ओरिजिनेट फ्रॉम थर्ड पार्टी हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। आपको वही सब में चारों में सेंटेंस आपको वही लगा देना है बस। और टेंजिबल एसेट मीन्स क्या? वेरीफिकेशन करना, इंस्पेक्शन और वेरीफिकेशन, एसेट एंड लाइबिलिटी बराबर है कि नहीं वो वेरीफिकेशन करना इंस्पेक्शन में आ जाता है दो टाइम का। तो ये आपको 5 मार्क का आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। अब सेकेंड क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन वर्ड से आपको पता चलता है कि ऑब्जर्व करना। अब क्या ऑब्जर्व करना? ऑडिटर ऑब्जर्व करता है परफॉर्मेंस ऑफ द अदर्स। क्या करता है ऑडिटर? मतलब ऑडिटर क्या होता है? ऑब्जर्व करता है परफॉर्मेंस ऑफ द अदर, कौन सा क्लाइंट कैसा काम कर रहा है, कैसा कौन सा डेट पे काम कर, मतलब हर चीज़ टाइम टू टाइम कर रहा है कि नहीं, वो क्या करता है ऑडिटर ऑब्जर्व करता है। उसके बाद इंक्वायरी एंड कन्फर्मेशन। इंक्वायरी और कन्फर्मेशन कैसा है कि दो टाइप का, अभी आपको सिमिलरिटी लग रहा है, इंक्वायरी और कन्फर्मेशन तो सेम ही हो जाते हैं ना। अब आपको याद रखना कि इंक्वायरी मतलब होता है कि दो टाइप का इंक्वायरी हो सकता है। इंक्वायरी एक आउटसाइड से भी हो सकता है, आउटसाइड से भी हो सकता है और एक कंपनी में से भी हो सकता है। क्या होता है इंक्वायरी? हम लोग जो ऑडिटर रहेगा, ऑडिटर क्या करेगा, बाहर से भी आउटसाइड से भी इंक्वायरी करेगा और कंपनी में से कोई क्लाइंट का एक्सप्लेनेशन देगा, वो भी कर सकता है। आपको ये बता दें इंक्वायरी मतलब क्या? द ऑडिटर कंसर्न्स सी द इंफॉर्मेशन टू द विद इन द कंपनी एंड दैट इज कोई क्लाइंट का एक्सप्लेनेशन ले लिया और इवन आउटसाइडर, आउटसाइडर कौन हो गया जैसे लाइक ऑडिटर्स, बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनी, वॉट एवर आप बोल सकते हो कि वो आउटसाइडर हो गए आपके। और कन्फर्मेशन मीन्स कि ये ओनली किससे होगा? आउटसाइडर्स होगा बस, आउटसाइड से मतलब ये कन्फर्मेशन होगा। और इंक्वायरी क्या होगा? दो बोथ से होगा, आउटसाइड से भी हो सकता है और कंपनी के क्लाइंट से एक्सप्लेनेशन लेना वो इंक्वायरी उससे बोल सकते हैं। और कन्फर्मेशन क्या? आउटसाइड से लोगे ना, आपने कुछ मशीनरी ख़रीदा, आपने कोई बाहर से कोई डिपार्टमेंट में गया, हाँ भाई ये सो एंड सो मशीन इतने अमाउंट का है, तो हम लोग बाहर से क्या कन्फर्म करते हैं, हाँ एक्चुअली बराबर है कि नहीं, मतलब कन्फर्म करना उसको क्या। अब कंप्यूटेशन मतलब क्या करना? कैलकुलेशन करना इसको। अब किस चीज़ का कैलकुलेशन करना? अब जो ऑडिटर जब ऑडिटर चेक करेगा तो वो भी देखेगा कि वॉचिंग इंस्पेक्शन बराबर है कि नहीं, है तो बराबर अमाउंट में लिखा कि नहीं, कैलकुलेशन बराबर प्रॉपर तरीके से दिखाया कि नहीं, वो क्या करना देखना। कैलकुलेशन मतलब क्या? अर्थमेटिक सी एक्यूरेसी का कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं, वो चीज़ ऑडिटर देखेगा। अब एनालिटिकल रिव्यू मतलब क्या? एनालाइज करना। किसको एनालाइज करना? जैसे कि ग्रोथ रेशियो, सेल्स रेशियो, मतलब कि पिछले ईयर का क्या था और करेंट ईयर का क्या है, तो क्या कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना? करेंट ईयर और पास्ट ईयर का कंपेयर करना, नहीं तो करेंट ईयर का, फ्यूचर का, सब मतलब कंपेयर करके एनालिटिक करना कैसा क्या प्रोसेस चल रहा है हमारी कंपनी का। तो एनालिटिकल रिव्यू मतलब कैसा कि आपको करेंट ईयर और पास्ट ईयर का एनालाइज करके आपको वो बता देना। तो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मेक श्योर ये एग्जाम में आएगा और आपको कभी भी 5 मार्क का ये पूछा तो आप पूरा बराबर ये लिख लेना कि मैं ये और चीज़, ये दो चीज़ें होना चाहिए तो आपको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो और आपका एक क्वेरीज था कि आपको ये बनाओ, और बहुत लोग क्वेरीज था कि आईटी का भी बनाओ और लॉ का भी बनाओ, तो उसका भी मैं एकदम जल्द से जल्द मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आपको इसमें कुछ ऐसा कुछ क्वेरीज है, आप जैसे मुझे ऐड योर कमेंट और आई विल मे गिव अ रिप्लाई टू। और आपको इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ वीडियो एनी टॉपिक रिलेटेड टू कॉमर्स स्ट्रीम, आप कॉमर्स से हो तो आप मुझे जस्ट कमेंट, आप कोई भी टॉपिक मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और ऐसा कि बहुत लोगों के साथ कि बैफ का आपको इसको बीकॉम का चाहिए ज़रूरी है, कोई 11th में कोई 12th में, तो जैसा आपको कुछ वीडियो डाउट है तो आप टॉपिक मुझे समय कमेंट ऐड कर दीजिए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा वीडियो आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।